हेलो दोस्तों, तो आइए, स्वागत है आपका आज इस नई वीडियो में। तो देखना है क्या खास इस वीडियो में। तो आज हम करने जा रहे हैं जिम का वर्कआउट। हम बताएंगे टिप्स एंड ट्रिक्स कि कैसे एक लेजी बंदा जिम ज्वाइन कर सकता है। तो आइए चलो शुरू करते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों, मतलब बात ऐसी है कि मतलब जब भी आप वर्कआउट करने जा रहे हो या मतलब थोड़ा बहुत जिम जिम करने जा रहे हो, तो सबसे पहले आप रनिंग करो, जॉगिंग करो, ठीक है। तो आप कार्डियो करो, उसके बाद जिम करना है। मतलब आपने उसके बाद जो इक्विपमेंट है जिम के उठाने, तो उसमें ध्यान रखना आपने, ये जो लाइट वेट है पहले लाइट वेट कीजिए। और ख़ासकर जो नए बंदे हैं, जो नए नए बंदा जिम सीखना चाहता है, तो उसके लिए भाई सीधी सी बात बोलता हूँ, एज के हिसाब से अपना वेट पहले एक नॉर्मल वेट लीजिए और स्टार्टिंग कीजिए। एक हफ्ता आप नॉर्मल वेट से जिम करते रहें जब तक कि आपका स्टैमिना काफ़ी बन नहीं जाता। तो दूसरी बात यह है कि जैसे जैसे आपका स्टैमिना बनता है, तो उसके बाद आप धीरे धीरे अपना वेट बढ़ा सकते हो। मतलब अपना जो आप लिफ्ट करते हो, तो जैसे मैंने दिखाया अभी पहले डंबल मैंने उठाए, तो ये तीन पीछे लगभग 12 12 12 kg की डंबल। तो यह तो काफ़ी हार्ड जिम करता था, लेकिन इसका नुकसान भी भुगतना पड़ता है अगर बंदा सही से एक्सरसाइज ना करो तो। तो भाई बात ऐसी है कि आप लोगों को मैं पहले ही सावधान कराता हूँ कि ऐसी गलतियाँ मत करना। और हाँ, जिम करने का तरीका है, जैसे पहला एक सेट लिया, ठीक है, आपने 10 डंबल उठाए एक साइड के, मतलब 10 10 20 हो गए, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों हाथ में 20। तो उसका 1 मिनट आपने रेस्ट लेना, फिर सेम कार्रवाई आपने 3 3 रेस्ट ऐसे मारने, ठीक है। तो उसके बाद आप अगली एक्सरसाइज पे जाओगे, तो हर रेस्ट के बाद 1 मिनट का आपने लेना है वेट। और हाँ, ज़्यादा लाइट वेट आप जिम कर रहे हो तो इतनी ज़रूरत नहीं है, 10 सेकंड के भी कर सकते हो, वो आपके मतलब वेट के ऊपर है। हैवी वेट कर रहे जिम तो मतलब टाइम लगता है थोड़ा, तो 1 मिनट का था आप वफा दे सकते हो खुद को। अगर हैवी जिम कर रहे हो, क्यों रनिंग रन करके थोड़ा शरीर थक जाता है, तो ये नहीं कि आपने थकने के मतलब पूरे शरीर को ही थका देना है, कुछ करना ही नहीं, तो ऐसा नहीं है। तो अभी देखो मैंने 15 15 kg की डंबल उठाया, तो उनको ऐसे करना है कि आपकी मतलब जो नॉर्मल होती ना, एक नॉर्मल आपकी मुड़ते हैं जो जॉइंट्स होते हैं हड्डियों के, उसी हिसाब से आपने नॉर्मल जिम करना है। ऐसी ताकत ऐसी निकालनी है कि आपके जॉइंट्स पे फिर इफेक्ट पड़ने लग जाए, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना कि मतलब किस हिसाब से कर रहे हो। कई बंदे ऐसे करते हैं कि मतलब उठाए गए, वो जोर जोर से उठाएंगे लेकिन बाजू टेढ़ी हो जाती है उनकी धीरे से, क्यों ज़्यादा वेट उठा रहे होते हैं। तो जैसे बाजू टेढ़ी हो जाएगी उनकी, उठाने के लिए मतलब उतना कैपेबल नहीं होते हैं, नहीं करते हैवी जिम, तो उससे क्या आपके जॉइंट्स टेढ़े होते जाए, मसल मुड़ जाती है और फिर दिक्कत आती है बाद में, बॉडी पेन करती है। तो ऐसा नहीं करना आप लोगों ने, जिम करना रिदम से करना है और एक बराबर करना है। मतलब आपका बाजू ये नहीं कि पहले एक ऊपर उठ रहा, दूसरा धीरे से ऊपर आ रहा, फिर ऊपर वाला नीचे आ गया तो दूसरा हाथ ऊपर ऐसे जा रहा, तो मतलब ऐसे नहीं, एक लेवल में बराबर दोनों हाथ होने चाहिए। और हाँ, जो ये आप ये चेस्ट, ये एक्सरसाइज होती है चेस्ट के लिए और शोल्डर के लिए, ठीक है। तो इसका आपने ध्यान रखना, आपका शोल्डर और जो कान है इसके बीच आपका वेट ऊपर लिफ्ट होना चाहिए, ना कि आपके मान लो पेट के ऊपर या पीछे गर्दन के ऊपर हाथ चले गए, समझ रहे हो। मतलब जैसे वेट उठा रहे हो, कंट्रोल नहीं हो रहा तो पीछे जा रहा, कान के भी पीछे जा रहा है, तो वो भी आपके लिए गलत एक्सरसाइज होगी। तो ध्यान रहे इन बातों का। और जब आप पूरा बेंच प्रेस करते हो, बेंच प्रेस के लिए तो यहाँ पे एक्सरसाइज नहीं है, तो भाई ऐसे नॉर्मल लिफ्ट करते हो तो ठीक है, ये भी एक डंबल का एक एक्सरसाइज है। तो बारबेल ऐसे आपने पकड़ रखी है, तो ये क्या होती है, चेस्ट वर्कआउट के लिए होती है और आपके बाइसेप्स के लिए। तो आप बाइसेप्स के लिए ये चीज़ कर सकते हो, जरूरी नहीं कि डंबल होता है सिर्फ आपके बाइसेप्स के लिए, डोले शोले ट्राइसेप्स बनाने हैं उसके लिए, तो ये बारबेल के साथ क्या आप चेस्ट का वर्कआउट साथ में कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपका बॉडी का वेट सीधा होना चाहिए, बेंड नहीं होनी चाहिए आपकी कमर, खासकर हल्के से आपके नीज हल्के बेंड हो सकते हैं लेकिन कमर सीधी होनी चाहिए,
ठीक है। तो ये चीज़ें हैं ध्यान में रखने वाली, क्योंकि भाई ऐसा होता है मैक्सिमम बंदे 100 में से 80 बंदे ऐसे जिम करते हैं कि बाद में कई सोचते यार बॉडी तो बनी नहीं रही मेरी, होता है कहीं मतलब कई मामलों में ऐसे होता है। बहुत ट्राई करते हैं बंदे कि नहीं, बाद में बोलते यार जिम में क्या जाना है यार, बॉडी नहीं बनती। और ऐसा होता है कि जिम जैसे मेरा देख लो काफ़ी वेट हैवी हो गया अभी, तो ये लफड़ा होता है कि मतलब जैसे जिम छोड़ते हो तो उसके बाद आपका वेट मतलब ज़्यादा बढ़ने लगता है एकदम से, क्योंकि आपकी पहले जो डाइट होती थी आपका स्टेमिना होता था, भूख ज़्यादा बढ़ती है जिम करने से, तो उस हिसाब से आपका बाद में जिम छोड़ने के बाद ये भी एक नुकसान है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए। हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके पक्का बताएं। तो ऐसे ही फिजिकल के ऊपर काफ़ी और अच्छी अच्छी वीडियो आ सकती है आप लोगों के लिए। तो और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करके सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए टाइम से। तो चलो अगली बात करते हैं हम। हाँ, जब आप वेट लिफ्टिंग करते हैं स्टार्टिंग में, आपने देखा होगा बंदों को बड़े बड़े जो बॉडी बिल्डर भी होते हैं, देखना उनको कई वीडियो में देखा होगा आपने, नॉर्मल सा आपको दिखेगा यार ये तो शरीर इतना तगड़ा है लेकिन हल्का वेट उठा रहे हैं। वो क्या एक्सरसाइज का एक मतलब स्टेमिना होता है, जरूरी नहीं कि आप ज़्यादा वेट उठाओगे तो आपकी बॉडी एकदम से बनेगी, नहीं ऐसा नहीं होता। वो आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर मतलब आपका माइंड करता है वो, ठीक है। तो हल्का सा स्टार्ट में आप लीजिए नॉर्मल वेट, तो धीरे धीरे जैसे आपका स्टेमिना बढ़ता रहेगा उस हिसाब से ज़्यादा बढ़ाएगा, ठीक है। जैसे मैंने पहले हल्का लिया था, ठीक है, 20 kg नॉर्मल लिफ्ट किया, शरीर गर्म हुआ, अभी आप ज़्यादा ले सकते हो तो अभी इतना 55 kg का वेट, तो ठीक है। तो ऐसे आप लिफ्ट कर सकते हो। तो मतलब कभी भी गलत एक्सरसाइज तो मत करना, इनको इससे बढ़िया तो आप योगा करो, आपका शरीर तंदुरुस्त रहेगा, फिट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिम वाले बंदे का एक सिस्टम होता है भाई, आप हैवी जिम करोगे, देखो अब और वेट लिफ्ट कर दिया, तो ऐसे करने से क्या आपका नुकसान भी होता है, लेकिन जब बोन क्या होता है बॉडी बन जाती है तो लोग बोलते हैं नहीं यार या मैंने भी जिम करना है, लेकिन जब वो शौक बनता है उनका वो जाते जिम में तो ध्यान नहीं देते कि मतलब किस हिसाब से जिम करना है, और गलत एक्सरसाइज करके मतलब फिर फेल हो जाता है जिम में, ठीक है। ज़रूरी नहीं आप कंटिन्यू उठाओ 25 बार 50 बार, ऐसा नहीं। स्टेमिना उसके 3-3 सेट, हर चीज़ के 3 सेट करने हैं, 10-10। फिर अगर आप जल्दी ऐसे लग रहा है कि आप इजी से कर सकते हो, ठीक है, तो बार बार ज़रूरी नहीं कि उसको उसके क्या बोलते हैं आप 20-25 तक जाओ, आप थोड़ा सा वेट बढ़ाओ 3 सेट ही करने, लेकिन 10 या 15 के बीच, ठीक है। तो मतलब ये एक सिस्टम है, 3 सेट बनाना है आपके रूटीन बन के, हर एक्सरसाइज के 3 सेट करने हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज तो बहुत है, सीटअप्स, पुलअप्स, चिन अप और साइड नीज, बेंड नीज, बहुत सारी दुनिया भर के ट्राइसेप्स के लिए अलग से है, चेस्ट के लिए अलग से है, हिप के लिए अलग से है और आपके थाई के लिए अलग से है, तो इस टाइप की दुनिया भर की एक्सरसाइज होती है। तो एक साथ में आपको नहीं बता सकता सारा दिन, इसको कहते हैं डेड लिफ्ट। तो ये डेड लिफ्ट ऐसे होता है कि मतलब ये आपकी पाँव की स्ट्रेंथ और आपकी कमर की स्ट्रेंथ और बाजू, ये तीनों चीज़ों के लिए बहुत अच्छा होता है और पेट भी इससे टाइट होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों की अच्छी जानकारी, जिसको जो जिम लग रहे हैं, जो फिटनेस के लिए थोड़ा शौकीन लगता है, उनके लिए काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो होगी। तो अगली बार हम अच्छी वीडियो और बनाएंगे, अगर आप लोग कमेंट करके बताओ कि हाँ वीडियो सही थी और इन्फॉर्मेशन चाहिए और अलग अलग टेक्निक्स चाहिए। तो एक होता है हार्ड कोर जिम, एक होता है सॉफ्ट कोर जिम। तो सॉफ्ट कोर की एक्सरसाइज थोड़ी अलग सी होती है, हार्ड कोर एक्सरसाइज की थोड़ी अलग सी होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को मतलब ध्यान में रखनी है कि आपने क्या करना है, ज़रूरी नहीं कि आप 1 महीने में ही आप बॉडी बना लो, ये स्टेमिना भी होता है, आप जितना हार्ड जिम करोगे स्ट्रेंथ बनेगी लेकिन आपका स्टेमिना उतना नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें फ़र्क डालती है हर चीज़ों पर। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ करके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन करके प्लीज़ एक बार थम्स अप लाइक दबाना मत और शेयर पक्का करना भाई, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो उम्मीद करते हैं अगली वीडियो हम जब मिलेंगे तो आप लोग भी कुछ अच्छा कर रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए द
धन्यवाद और एंजॉय कीजिए। राम राम। No hate your Magma Shikes, but I'll live by a Yurda. Yeah,